हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं एक ऐसी मस्जिद जो 1380 में बनवाया गया था। भारत की ये तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद है जिसे आप अभी देख रहे हैं। ये मस्जिद खिड़की मस्जिद है और ये खिड़की गांव मालविया नगर के अंदर ये मस्जिद है। इस मस्जिद के चारों तरफ आपको खूबसूरत मेराबों का डिज़ाइन मिलेगा। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसके अंदर ये मस्जिद बनाया गया है। इस मस्जिद को 1380 में बनवाया गया था। ये मस्जिद दिल्ली की वो सबसे खूबसूरत मस्जिद में से एक मस्जिद है जो आज के टाइम में बिल्कुल बंद है। आज भी यहाँ पे आने के लिए आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेकर इसके अंदर आना होता है। इसके अंदर इस तरीके से चार सेहने बनी हुई है चारों कोनों पे, और उसमें से ये एक सेहन में अभी आपको दिखा रहा हूँ। इस सेहन के चारों तरफ तीन तीन मेराबे हैं, यानी चारों तरफ मिला करके 12 मेराबों से बना ये आंगन है जो अपने में बहुत ही खूबसूरत है। और इसके अंदर रोशनी आने के लिए इन जगह को बनाया गया था। इसके ऊपर में गुंबद ही गुंबद है, नीचे से काफ़ी छोटे दिखने वाला ये गुंबद ऊपर से काफ़ी बड़ा गुंबद है। और यहाँ पे तकरीबन 85 गुंबद इस मस्जिद के अंदर बनवाया गया है। आप एक व्यू देख सकते हैं। इस मस्जिद को फिरोज शाह तुगलक के प्रधानमंत्री खान जहां जुनैन शाह ने बनवाया था। उन्होंने दिल्ली के अंदर तकरीबन 7 इस तरह की मस्जिदों को बनवाया है, जिसमें से एक ये खिड़की मस्जिद है, उसी तरह एक बेगमपुर मस्जिद भी है जो बिल्कुल इस मस्जिद के पास में ही। आप इसकी मस्जिद की खूबसूरती को आप देख सकते हैं। यहाँ पे रोशनी आने के लिए हर जगह पे चार आंगन बनवाया गया है। यहाँ पे आप आंगनों को एक करके देख सकते हैं। इस साइड भी आंगन है और मैंने अभी दूसरे साइड भी आपको आंगन दिखाया। यहाँ पे ये आंगन इस जगह को खूबसूरत और ज़्यादा बना देता है। और इसके तरफ भी चारों तरफ आप देख सकते हैं सिर्फ यहाँ पे मेराब ही मेराब है। आपको इसके अंदर आने के बाद मेराब, पाया और गुंबद के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। मैं दिखाता हूँ आपको आगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ पर का जो हिस्सा है वो डैमेज हो चुका है, और यहाँ पर का हिस्सा नीचे गिरने के बावजूद ऊपर से जो खूबसूरती आ रही है वो एक अलग तरीके की है। यहाँ पे एक पूरा गुंबद गिर गया है, बाहर से दिखने वाला एक बहुत बड़ा गुंबद, अंदर से काफ़ी छोटा छोटा दिखता है। ये सारे दीवारों में आपको यहाँ पे खिड़की देखने को मिलेगा। यहाँ पे तकरीबन 100 से ज़्यादा खिड़कियाँ हैं जो बाद में बनवाया गया था। इन खिड़कियों की वजह से इस मस्जिद का नाम खिड़की मस्जिद रखा गया है। यहाँ पे काफ़ी घुटन होने लगा था इस मस्जिद के अंदर, इसलिए इन खिड़कियों को बाद में बनवाया गया। आप देख सकते हैं कि जब आप दूर से देखेंगे तो आप इसके अंदर आने के बाद उलझ जाएंगे कि आपको किस मेराबों से आप अंदर आए थे और किन मेराबों से यहाँ से आपको बाहर जाना है, क्योंकि इसके अंदर आने के लिए तीन रास्ता है जिसमें से दो रास्ता बंद है और एक रास्ता जिससे मैं अंदर आया था वो एक रास्ता है यहाँ से बाहर निकलने के लिए। यहाँ पे आने के लिए सबसे पास में आपको मालविया नगर मेट्रो स्टेशन मिलेगा, वहाँ से आप 10 रुपये का ऑटो करके इस खिड़की मस्जिद के पास आ सकते हैं। इसके जस्ट सामने साकेत मॉल भी है। यहाँ पे आने के लिए इस पिलरों की खूबसूरती को आप देखिए कि उस टाइम में किस टेक्नोलॉजी से इसे बनाया गया था कि हर एक पिलर एक दूसरे के पीछे इस तरीके से छिपा है कि आप दूर से इन पिलरों को नहीं देख पाएंगे, आपको लगेगा कि ये एक सिंगल पिलर है। लेकिन यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपको बहुत अफसोस होगा इस मस्जिद को बंद देखकर, क्योंकि ये इतनी खूबसूरत मस्जिद है और इसे तकरीबन 700 सालों से बंद कर दिया गया है। इसके अंदर आने के बाद आपको ये लगेगा कि पता नहीं मैं किस मस्जिद में किस जगह आ गया हूँ, कि ये मस्जिद आज तक हमने कभी देखा नहीं है। ऊपर आप देख सकते हैं कि कितना छोटा छोटा गुंबद है, और यहाँ पे मैंने बताया कि 85 गुंबद इस मस्जिद के अंदर इको के लिए बनाया गया था, आवाज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, क्योंकि पहले मैक नहीं था और उस मैक का काम ये गुंबद किया करता था। तो आप देख सकते हैं एक व्यू। तो ओके फ्रेंड, ये ब्लॉग होता है मेरा यहीं पे ख़त्म। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरे द्वारा दिखाया गया ये खिड़की मस्जिद काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए हम चलते हैं एक नई खोज की तरफ।